गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन फाइन एट योर होम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन फर्स्ट सेशन ऑफ क्लास सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 1 थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स एवरीबॉडी नोज, वस्तुएं अराउंड हमारे चारों ओर, अस मींस हमारे चारों ओर की वस्तुएं। आप सभी जानते हैं आपके चारों ओर कई टाइप की वस्तुएं होती हैं, बट टू टाइप ऑफ थिंग्स आर हियर। यहाँ पर टू टाइप की थिंग्स हैं। फर्स्ट इज नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या होती है? प्राकृतिक चीजें जो गॉड ने बनाई है, जो आप मनुष्य ने नहीं बनाई है, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स, लाइक सन, मून, स्टार्स, रिवर, इटीसी। सेकेंड थिंग इज मैन मेड थिंग्स। मैन मेड मीन्स होता है मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई है, जैसे आपका फोन, आपकी टीवी, आपका मोबाइल, बॉल, टॉयज, टेबल, दिस आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। अब ये जो थिंग्स होती है टू टाइप की भी होती है, कैसे? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो होती है जो अपने आप वॉक करती हैं, मूव करती हैं, इट करती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो अपने आप मूव नहीं करती हैं, वॉक नहीं करती हैं, इट नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स एक्सेट्रा, और नॉन लिविंग थिंग्स आर कार, बस, फोन एक्सेट्रा। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती हैं और वॉक नहीं करती हैं, इट नहीं करती हैं। तो इस चैप्टर में हमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 थिंग्स अराउंड अस। वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ है। लुक अराउंड, हमारे चारों ओर देखो। यू विल सी मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी वस्तुएं देखोगे। एनिमल्स, चेयर्स, ट्रीज, वाटर। एनिमल्स मतलब होते हैं जानवर, जैसे डॉग, कैट, लायन, टाइगर। चेयर्स आप लोग सब जानते हैं। ट्रीज, आप सबने ट्री देखा है। वाटर जो हम डेली यूज में लेते हैं। फ्रूट्स, हम डेली फ्रूट्स खाते हैं। आर सम ऑफ थिंग्स दैट सराउंड अस, ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ होती हैं। ऑल थिंग्स, दिस थिंग्स टुगेदर फ्रॉम आर एनवायरमेंट, इन सभी चीजों को हम एनवायरमेंट में एक साथ देखते हैं। वी कैन also say that environment means all the things that are around us. ये जो चारों सभी चीजें हमारे चारों तरफ पाई जाती है, ये हमारा environment कहलाता है। आप इन pictures को देखिए। First picture is tree. Tree सबने देखा है। Water can, जब हम plant को watering करते हैं तो water can का use करते हैं। जब हम garden जाते हैं तो हम bench पर बैठते हैं, और जब हम गार्डन में खेलते हैं, अपने पपी को ले जाते हैं तो हाथ हम बॉल लेकर जाते हैं, पपी को भी लेकर जाते हैं। और गार्डन में डस्टबिन भी होता है, इसका यूज हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमें सारे गार्बेज इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए और डस्टबिन का यूज करना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, टर्न द पेज, पेज नंबर 10, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, एंड मैन मेड मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाई हुई थिंग्स मतलब वस्तुएं। द सन, माउंटेन, फॉरेस्ट, एयर, रॉक्स, रिवर, एनिमल एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ द थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचर। क्रिएटेड मतलब होता है बनाना, बाय नेचर मतलब नेचर के द्वारा बनाई गई। ये जो सारी चीजें हैं, सन, माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत, पहाड़, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, हवा, चट्टाने, नदियाँ, जानवर, बर्ड्स, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, ये सारे नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। दीज आर नेचुरल थिंग्स, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? नेचुरल थिंग्स, जो गॉड ने बनाई है वो क्या कहलाती है? नेचुरल थिंग्स। नॉट ऑल थिंग्स अराउंड अस आर नेचुरल, सभी चीजें नेचुरल हम नहीं होती है। हमारे आसपास जो सभी चीजें हैं वो नेचुरल नहीं होती है। सम आर मेड बाय ह्यूमंस, कुछ चीजें मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आर टॉयज, हमारे खिलौने, एंड बाइसिकल्स, इस पर हम डेली राइड करते हैं ना,
आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये किस में बनाई जाती है? फैक्ट्रीज में बनाई जाती है। फर्नीचर इज मेड बाय द कारपेंटर, आप जिस टेबल चेयर्स पे बैठते हैं वो किसने बनाया? कारपेंटर ने बनाया। जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें कारपेंटर कहते हैं। क्लॉथ्स आर मेड बाय द टेलर, क्लॉथ्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? टेलर के द्वारा। दीज आर ऑल मैन मेड थिंग्स, ये सभी वस्तुएं मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, यहाँ पर कुछ नेचुरल और मैन मेड थिंग्स दी हुई है, इन्हें हम देखेंगे। नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स माउंटेन, ट्रीज, एनिमल्स, विंड, वाटर, ये सभी चीजें नेचुरल हैं। और मैन मेड हाउसेस, जिस घर में हम रहते हैं वो मैन मेड। फर्नीचर, टॉयज, व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब होता है गाड़ियां, साधन जहां से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। क्लॉथ्स कपड़े जो हम पहनते हैं, ये सभी कौन बनाता है? मनुष्य बनाते हैं। सम मैन मेड थिंग्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरल से रिलेटेड होती हैं, जैसे मेडिसिन ये गॉड ने दिए। फर्नीचर, ये जो ट्री है, ट्री की वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं। अब ट्री की लीव्स जो होती है उससे अब पेपर बनता है, बैट ट्री की वुड से बनता है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11, डू दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड टर्न द पेज। पेज नंबर 12, लिविंग थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लुक एट द पिक्चर ब्लो, नीचे जो पिक्चर दे रखी है इसको देखो। यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स सच एज अ बॉयज, सॉइल, माउंटेन्स, ट्री, एनिमल एंड अ बर्ड। आप इस पिक्चर्स को देखो, आप इसमें डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की पिक्चर्स दिखेंगी, जैसे बॉय, सॉइल मतलब मिट्टी, बॉय सॉइल मिस मिट्टी, माउंटेन मिस पर्वत, ट्रीज पेड़, एनिमल डियर एंड रैबिट यहाँ बैठे हैं, देखिए ये एनिमल है, एंड अ बर्ड, बर्ड देखिए आसमान में उड़ रही है, और एयर हमारे आसपास क्या होती है? एयर। एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड, बॉय एंड फिश आर लिविंग थिंग। देखो मैंने आपको चैप्टर की स्टार्ट में समझाया था, जो चीजें वॉक करती है, ईट करती है, ब्रीद करती है, वो लिविंग थिंग कहलाती है। तो एनिमल्स ब्रीद करता है, ईट करता है, लेकिन देखिए ट्री, ट्री ब्रीद करता है, ईट करता है वो भी, तभी तो वो ग्रो होता है, इट मीन्स वो बढ़ता है, जो साइज में बढ़ते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं। एनिमल, ट्रीज, बर्ड, बॉय, फिश, ये सभी लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। माउंटेन, सॉइल एंड एयर आर नॉन लिविंग थिंग्स, पर्वत, मिट्टी और हवा ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। देट अस फाइंड आउट व्हाई, लेट अस फाइंड आउट व्हाई। अब हम इन्हें देखेंगे कि इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग क्यों कहते हैं। लुक एट इच ऑफ द पिक्चर गिवन ब्लो, आप इच मतलब सभी पिक्चर को देखो। दिस आर सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट लिविंग थिंग्स कैन डू, आप इसमें जो लिविंग थिंग्स देख रहे हैं वो क्या एक्टिविटी करते हैं ये देखो। लिविंग थिंग्स मूव, मूव मतलब चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऑन देयर ओन, ओन मतलब होता है अपने आप, खुद खुद अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीद, अब हम देखो सांस लेते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीद करना, तो लिविंग थिंग्स ब्रीद करती है। टर्न द पेज, लिविंग थिंग्स इट फूड, लिविंग थिंग्स खाना खाती है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज, लिविंग थिंग्स बेबी को प्रोड्यूस करती है, अपने ही समान बच्चों को जन्म देती है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बड़ी होती है, उनका आकार बढ़ता है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स, लिविंग थिंग के पास अपनी फीलिंग्स होती है, जैसे हम बर्फ अपनी स्किन को टच करते हैं तो ठंडा लगता है ना, और टी रखते हैं तो गर्म लगता है। ह्यूमंस आर लिविंग बींग, मनुष्य जो होते हैं वो लिविंग्स होते हैं।
वी लॉफ, हम हंसते हैं। वेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तो हम हंसते हैं। वी क्राई वेन वी आर सैड और इन पेन, हम कब रोते हैं, जब हमें कोई चोट लगती है या हम दुखी होते हैं तो हम रोते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स फील करती है। टर्न द पेज, नाउ वी नो थिंग्स दैट ग्रो मूव इट एंड रिएक्ट आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अब हम देखेंगे जो चीजें चलती है, ग्रो करती है, इट करती है, रिएक्ट करती है, मतलब किसी चीज की प्रतिक्रिया करती है, उसको लिविंग थिंग कहते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इंसेक्ट एंड ट्रीज आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये सभी चीजें लिविंग थिंग्स कहलाती है। कौन कौन? एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट। इंसेक्ट समझते हैं आप? आपको मॉस्किटो बाइट करता है ना, उसे इंसेक्ट करते हैं। और आपकी बटरफ्लाई देखी है आपने, वो भी इंसेक्ट में आती है। तो ये सब चीजें लिविंग थिंग कहलाती है। अ प्लांट कैन नॉट लॉफ, लेकिन प्लांट हंसते नहीं है, बट इट कैन फील, वो महसूस करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू टच द लीव्स, आप देख सकते हो कि कोई कुछ लीव्स ऐसी होती है जिसको हम टच करते हैं। ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट, उन पौधों को क्या कहते हैं, हमें टच मत करो। हैव यू एवर ट्राइड टू टच द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे टच मत करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आपने चुईमी का पौधा देखा है? नहीं देखा, देखा हो तो आप उसको टच करोगे, उसकी जो लीव्स होती है, फिंगर टच होते हैं, इनसाइड में कर्व हो जाती है। देखिए इस पिक्चर में, लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट, इसको बोलते हैं हम चुईमी का पौधा। इफ यू टच इट्स लीव्स, जैसे ही आप इसकी लीव्स को टच करोगे, दे फोल्ड इनवर्ड्स, उसकी लीव्स अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी। दिस शोज दैट दे कैन फील, इट मीन्स वो फील कर सकती हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो ग्रो, ऐसे ही ह्यूमन की तरह एनिमल्स भी बढ़ते हैं, प्लांट्स भी बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड लर्न अबाउट द नॉन लिविंग थिंग, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, कार, हैट, कप, बैट, तो ये क्या कहलाती है, नॉन लिविंग थिंग। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो बॉक्स में लिखा है इसको आप खुद रीड करोगे और फिर अपने मम्मी पापा को एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये सब चीजें वही है जो हमने पिछला सब कुछ रीड किया है। ठीक, नेक्स्ट लाइन, थिंग्स दैट Do not grow, जो things grow नहीं करती हैं, move, react and are not alive, things that do not grow, move, react and are not alive, are move, react and are not alive, are all called non-living things. It means जो things ग्रो नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती, जिनको टच करने पे कुछ महसूस ही नहीं होता है, या हंसना या रोना, इट मीन्स वो कोई फील नहीं करती है, आर नॉट, वो सब चीजें नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। जैसे सॉइल, रॉक्स, एयर, वाटर, टॉयज, व्हीकल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा, अब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। अब आप पूरा लेसन रीड करके अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डन दिस चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको घर पर रीड करना है और अच्छे से मम्मी पापा को भी एक्सप्लेन करके बताना है। अब हम होमवर्क करेंगे। होमवर्क किस में करेंगे? माई ऑब्जर्वेशन ईवीएस बुक में। तो ओपन योर ईवीएस ऑब्जर्वेशन बुक, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। जो लिविंग थिंग है उस पर एल लिखना है आपको, जो नॉन लिविंग थिंग है वहां पर एन एल लिखना है। टर्न द पेज, क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग जो आपके चारों तरफ पाई जाती है उनके नेम्स लिखने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द ओड वन इच ग्रुप, इस
ग्रुप में से कौन सा एक अलग है उसके ऊपर सर्कल करना है। नाउ लेट द बोर्ड डू क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 इन माय ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 5, 6, 7।